वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम पृथ्वीराज राजपूत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल 18 इंडिया। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से नए अपडेट निकल के आ रहे हैं, जिसमें जितने भी कस्टमर फिनो पेमेंट बैंक से अकाउंट ओपनिंग कराए हैं उन सभी को अब मैंडेटरी फॉर्म 16 रिन्यूअल कराना अनिवार्य हो गया है। साथ में पेन अपडेट कराना, पेन डिटेल्स अपडेट कराना फिनो पेमेंट बैंक के कस्टमर को बहुत ही अब मैंडेटरी कर दिया गया है, जो हर वित्तीय वर्ष में होगा, जिसके बारे में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। इसमें क्या क्या आपको नियमों को पालन करना होगा, साथ में क्या क्या इसमें मैंडेटरी है, कैसे कैसे आपको इसमें अपडेट कराना है, साथ में फॉर्म 60 रिन्यूअल कराना है। वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हो यहाँ पास फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से ऑफिशियली ये आ चुका है, मैंडेटरी फॉर्म 60 रिन्यूअल और पेन डिटेल्स अपडेशन फॉर FPB कस्टमर्स। तो दोस्तों यहाँ पास साफ बोला जा रहा है अब अनिवार्य है फॉर्म 60, जितने भी अकाउंट ओपनिंग हुआ है फॉर्म 60 में, आप अगर BC मर्चेंट है फिनो पेमेंट बैंक के और आपने अपने कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग किए हैं फॉर्म 60 के आधार से, तो आप उसको हर वित्तीय वर्ष में रिन्यूअल करना होगा, उसमें आपको डिटेल्स को अपडेट करना होगा। दोस्तों ये एक तरह का KYC है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास देख सकते हो पेन डिटेल्स अपडेशन का भी इसमें काम होगा, जिसमें पेन डिटेल्स भी आपको अपडेट करना होगा हर वित्तीय वर्ष में, ये बोला जा रहा है फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से, जो मैंडेटरी है दोस्तों। साथ में दोस्तों हम आप लोगों को आज बता दें कि हम ओनली आज इस वीडियो के माध्यम से अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से इसमें अपडेट निकल के आया है, क्या बोला जा रहा है फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से ये फॉर्म 60 रिन्यूअल और साथ में पेन अपडेट को लेकर। साथ में दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है कि आप कैसे फॉर्म 60 का रिन्यूअल करेंगे, पेन अपडेट कैसे करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, आप वहां से देख के अपने कस्टमर का फॉर्म 60 रिन्यूअल कर सकते हैं, साथ में पेन डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों यहां पास मैंडेटरी फॉर्म 60 रिन्यूअल और पेन डिटेल्स अपडेशन फॉर FPB कस्टमर। दोस्तों यहाँ पास देख सकते हो एज पेयर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इट इज़ मैंडेटरी टू रिन्यू फ्रॉम 60 अपडेट पैन कार्ड फॉर ऑल दोस्त कस्टमर हु हैव ऑफियड फॉर फॉर्म 60 विल अकाउंट ओपनिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों यहाँ पास देख सकते हो साफ बोला जा रहा है कि हर वित्तीय वर्ष में फॉर्म 60 अपडेट होगा, साथ में दोस्तों पेन कार्ड जो है उसमें का डिटेल्स है वो भी अपडेट होगा, जितने भी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग हुआ है फिनो पेमेंट बैंक में। तो दोस्तों इसमें आप ये पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका इमेज डाल दूंगा। साथ में दोस्तों हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है, जो आप लोगों के लिए और ज़्यादा सहूलियत होगा। इस तरह से दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ पास इसको इंग्लिश है उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गूगल ट्रांसलेट से। अब यहाँ पास देख सकते हो वही जो वर्ड है एज पेयर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये वहीं लिखा है दोस्तों, जिसको हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पास देख सकते हो हिंदी पे ये है, नियामक आवश्यकता के अनुसार उन सभी के लिए फॉर्म 60 अपडेट पेन कार्ड को नवीनीकृत करना अनिवार्य है। यहाँ पास देख सकते हो दोस्तों साफ साफ बोला जा रहा है अगर आपका अकाउंट फिनो पेमेंट बैंक में है और आपने भी फॉर्म 60 के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग कराए हैं या फिर पेन कार्ड के माध्यम से, तो दोस्तों आपको हर वित्तीय वर्ष में ये अनिवार्य है नवीनीकरण, जिसको बोला जाता है नवीनीकृत करना अनिवार्य है। तो दोस्तों हम आपको बता दें जिन ग्राहकों ने खाता खोलते समय फॉर्म 60 के लिए चुना है वह हर वित्तीय वर्ष में नियामक मानदंडों की तुलना में हमने फॉर्म 60 नवीनीकरण या पेन विवरण की इस कार्यक्षमता को विकसित किया है। साफ बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ पास फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से खाता खोलने के दौरान केवल उन ग्राहकों के लिए अद्यतन जिन्होंने फॉर्म 60 का विकल्प चुना है। इस कार्यक्षमता के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्राहक लैंडिंग पृष्ठ पर एक पॉपअप आएगा। दोस्तों ये पॉपअप आपके मोबाइल पे आएगा जितने भी कस्टमर हैं उनके में, फॉर्म 60 को नवीनीकृत करें या पेन कार्ड अपडेट करें, जो एक अनिवार्य आवश्यकता है। अनिवार्य फॉर्म 60 नवीनीकरण या पेन विवरण के लिए अद्यतन FPB ग्राहकों, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों www.finopaymentbank.com। जब तक दोनों में से कोई भी पूरा नहीं हो जाता तब तक सिस्टम शाखा उपयोगकर्ता व्यापारी को आरंभ करने की अनुमति नहीं देगा। तो यहाँ पास देख सकते हो दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से साफ कर दिया गया है, ये आदेश आ चुका है, ये अपडेट दे दिए हैं, न्यूज़ आ चुका है।
कि दोस्तों अब अगर फिनो पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं तो आपको हर वित्तीय वर्ष में फॉर्म 60 का रिन्यूअल कराना अनिवार्य है। साथ में दोस्तों आप अपना पैन कार्ड डिटेल्स अपडेट करा लें, जो बहुत ही मैंडेटरी है, तभी जाके आप फिनो पेमेंट बैंक के जितने भी सर्विस हैं उसका लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों ये आप अगर फिनो पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपनिंग कराए हैं और कस्टमर हैं तो आप बी पे ऐप डाउनलोड करके वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के बीसी मर्चेंट हैं तो अपने कस्टमर का जब भी आप अकाउंट नंबर डालेंगे अपने मित्रा ऐप पे, तो दोस्तों उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख के ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हम नए नए वीडियो डालें तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।